हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं मकड़ाई राजघराने के राजा साहब क्या दशहरे के अवसर पर क्या शुभकामना देना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्षेत्र के नागरिकों को, आम जनमानस को। हम बात करने जा रहे हैं राजा अजय शाह, जो कि मकड़ाई राजघराने के उत्तराधिकारी हैं और राजा हैं जी। बताएं, इस पावन अवसर जो कि आज दशहरा है, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी क्षेत्र की जनता को? देखिए, हरदा जिले और खासकर भूतपूर्व मकलाई रियासत की जनता को दशहरे के इस पावन पर्व पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन ये दशहरा आज कुछ खास भी है, क्योंकि दशहरे के साथ साथ चुनाव भी आसपास ही है और चुनाव के दृष्टिकोण से भी अब हम सबको मिलके अपने मुस्तकबिल का चुनाव खुद करना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। आप किसे भी चुनिए, ये आपकी निजी चॉइस होगी, लेकिन किसी के बहकावे में ना आए, किसी के पैसे में या दूसरे तरह के जो लालच दिए जाते हैं उसमें ना आए। अपने स्वयं विवेक से काम लें और अपने मुस्तकबिल को और सुदृढ़ बनाएं, ताकि जो कुछ भी आज दुनिया में चल रहा है, हमारे आपके साथ चल रहा है, जो भी चल रहा है आप वाकिफ हैं। कहना नहीं चाहता, मैं कहूँगा तो एक एक तरह का एक पार्टी से संबंधित हो जाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग समझदार हैं और 17 तारीख को सोच समझ के वोट दें, ताकि हम अपनी जिंदगी को और भी अच्छी तरह से जी सकें उस गुर्बत, बेरोजगारी, गरीबी और जो भी आज हमारे साथ घट रहा है उससे हम अपने आप को निजात पाएं और खुशहाली की ओर बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जैसे कि हम इस समय देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। परिवर्तन जनता चाह रही है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सब सही फरमाया कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो प्रकृति के विपरीत ही तो हम काम कर रहे हैं ना, हम परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं। आज 20 साल से मध्य प्रदेश में एक दल की सरकार है, तो परिवर्तन हम नहीं कर रहे और परिवर्तन ना करने पे हम उस प्रकृति का नियम जिसका आपने उल्लेख किया उसके विपरीत जा रहे हैं। हम लोग जो देहात, गांव देहात में रहते हैं, आप भी जानते हैं कि रोटी को अगर उल्टा पुल्टा नया किया जाए तो जल जाती है। अगर आज एक रोटी एक ही तवे पर एक ही साइड से आप 20 साल से सेक रहे हैं तो डेफिनेटली वो रोटी कभी ही होगी। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं तो क्षेत्र की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति का नियम है उसका पालन कीजिए, परिवर्तन ही जीवन है। और रोटी को एक तरफ जो सेकते सेकते अगर आप खुश हैं तो वो जली हुई रोटी आपको मुबारक हो, अगर खुश नहीं हैं, अच्छी रोटी खाना चाहते हैं, पकी रोटी खाना चाहते हैं, तो आइए परिवर्तन का साथ दें, परिवर्तन करके दिखाएं, ये आपके हाथ में है। तो दर्शकों, देख रहे थे आप कि मकड़ाई राजघराने के राजा अजय सिंह आपसे रूबरू थे, आपको शुभकामनाएं दी, आपको संदेश दिया, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।